सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमके एग्जाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमके एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों आज हम जियोग्राफी के भूगर्भिक संरचना टॉपिक में बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने जियोग्राफी के 3 से 4 लेक्चर बना रखे हैं, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप पहले उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियोस को देखिएगा। और दोस्तों इस लेक्चर को मैंने CGPSC मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर बनाया है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने वर्ड लिमिट में कैसे लिखना है इस बात को भी एक्सप्लेन करा है। और दोस्तों जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। फिर चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की भूगर्भिक संरचना। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद वीडियो के एंड में मैंने क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज लगा रखी है, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को ऐड करा है। तो सबसे पहले आप थ्योरी सेक्शन को अच्छे से, दोस्तों ये प्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में CGPSC मेंस के लिए मैंने इसको स्पेशली रेडी किया है कि वर्ड लिमिट में कैसे लिखना है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे बताया है, और किन किन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को एग्ज़ाम में लिखकर अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं, इन सभी चीज़ों को भी मैं साथ में एक्सप्लेन करते जाऊँगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। भूतत्वीय विशेषताओं के कारण भारत के 3 वृहद भाग हैं। कितने वृहद भाग हैं? तो 3 वृहद भाग हैं। ये सारे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड है भारत की भूगर्भिक संरचना। तो सबसे पहले आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टानें, सेकंड में आता है पुराण महाकल्प की चट्टानें, थर्ड में आता है द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें, फोर्थ में आता है आर्य महाकल्प की चट्टानें। तो दोस्तों इसको हम लोग एक एक करके अच्छे से डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इन सभी में क्या क्या चीज़ें आती है और क्या क्या नहीं, और इन सब का कहाँ कहाँ पर विस्तार है और कौन कौन से अयस्क इन सभी में विद्यमान है। तो सबसे पहले हम लोग आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन क्रम के चट्टानों का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आर्कियन क्रम के और धारवाड़ क्रम के चट्टानें शामिल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आद्य महाकल्प के अधिकतर भाग दक्षिण की प्रायद्वीप धार का हिस्सा है। तो देखते हैं आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखेंगे। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्कियन क्रम के चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडा होने से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आर्कियन क्रम के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट को लिखना बहुत ज़रूरी है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होने से हुआ है। ये आपके कीवर्ड्स हैं। ये सबसे प्राचीनतम व मूलभूत चट्टानें हैं। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है, जीवाणुओं एवं इनमें जीवाश्मों का अभाव है। तो दोस्तों यहाँ इस पॉइंट को भी आपको साथ में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना है कि यह किस प्रकार के चट्टानें हैं। तो नीस और शीश प्रकार की चट्टानें हैं, और पृथ्वी का कितना प्रतिशत आर्कियन क्रम में शामिल है। तो 86.7% भाग का निर्माण आर्कियन युग में हुआ है। इस बात को आप अच्छे से याद करके रखिएगा। प्रायद्वीपी भारत का 2/3 भाग आद्य महाकल्प चट्टानों से बना है। जो प्रायद्वीपी भारत है उसका कितना भाग बना है? तो 2/3 भाग। इसको साथ में याद करते जाइएगा। प्रायद्वीपी भाग में आद्य कल्प चट्टानों के 3 परिभाषित प्रकार मिलते हैं। कौन कौन से? तो बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस, जो सबसे सर्वाधिक प्राचीन है। आर्कियन चट्टानों में भारत की खनिज संपदा का भंडार है। इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना जैसी धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुरता है। तो आर्कियन क्रम में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार की खनिजें पाई जाती है।
ये चट्टाने मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के छोटा नागपुर पठार, दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, तो इन सभी को आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादातर भाग दक्षिण के हैं, यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का ज़्यादातर हिस्सा है। हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान रीढ़ की हड्डी के आकार बनाए हुए ये चट्टाने मौजूद हैं। मैप में देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, अधिकतर भाग दक्षिण में आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर के पठार में, झारखंड के एरिया में, इधर यहाँ पे कुछ कुछ फैला हुआ है, इसके ज़्यादातर भाग दक्षिण में विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने आर्कियन क्रम की चट्टानों का डिस्कशन अच्छे से करा है, अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। तो आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से, ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे ये प्राचीनतम परतदार चट्टाने जो अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हो चुकी है, अरावली पर्वत के निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। दोस्तों मोस्टली इम्पॉर्टेंट है कि अरावली पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। यह विश्व की प्राचीनतम मोरदार पर्वत है। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में हुआ है। तो इसका विस्तार देख लीजिए, यहाँ पे शिमोगा जिले व कर्नाटक व बाह्य प्रायद्वीपी दोनों में पाई जाती है, मतलब कि इसका विस्तार दोनों प्रदेशों में है। धारवाड़ चट्टाने मूलतः तीन बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिलों में, यहाँ से इनका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी से मदुराई जिले में पाया जाता है। सेकंड में छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से में, मेघालय पठार में मिकिर पहाड़ियों में भी इसका विस्तार है। थर्ड में दिल्ली के अरावली रियोलो श्रेणी से लेकर अलवर तक तथा हिमाचल प्रदेश में भी ये चट्टाने पाई जाती है। तो आगे देखते हैं भारत में धारवाड़ चट्टानों का विस्तार। भारत में धारवाड़ श्रेणी के चट्टानों को अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विशेष नामों से भी जाना जाता है, जो निम्न: दक्षिणी दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी तक इसे धारवाड़ चट्टाने कहते हैं, मध्यवर्ती व पूर्वी दक्कन प्रदेश में नागपुर से जबलपुर तक इसे सासर श्रेणी कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ से रेलवे SSC और CGPSC व्यापम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बालाघाट व बठिंडा में चील श्रेणी कहते हैं, हजारीबाग में गुंडाइट श्रेणी कहते हैं, विशाखापत्तनम में कुदोराइट श्रेणी कहते हैं और गुजरात में चंपानेर श्रेणी कहते हैं। CGPSC मेंस में धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बारे में 60 शब्द, 100 शब्द या फिर 125 शब्द में लिखने के लिए आता है, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। इन सभी चीज़ों को आप आसानी से इन वर्ड लिमिट्स में लिख सकते हैं। मैप में इनका विस्तार देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कर्नाटक के हिस्से में इसका ज़्यादातर विस्तार है, उसके बाद पठार और मध्यवर्ती हिस्से में इसका विस्तार पाया जाता है, वहीं दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है और कुछ हिस्से इधर अरुणाचल साइड भी देखने को मिल जाती है। और देखते हैं हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के निकट वैरल श्रेणी एवं असम के पठारी भाग में सीलोंग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। कौन? तो धारवाड़ चट्टाने। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में वैरल श्रेणी और असम के पठारी में सीलोंग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। इस क्रम की चट्टाने आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्रमुख धात्विक खनिज लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम आदि इन चट्टानों में पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिगोनाइट तथा लेटेराइट अयस्क से लोहा मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रमुखता से लोहा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा लोहा की मात्रा होती है जो धारवाड़ चट्टानों में मिलती है। तो लोहा किस अयस्क से मिलती है, तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और लेटेराइट, इन सभी से लोहा प्राप्त होता है, जिसमें हेमेटाइट से
शुद्धतम लोहा प्राप्त होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, इसे प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों अब पुराण महाकल्प की चट्टानों के डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुड़प्पा क्रम जिसमें निचली कुड़प्पा और ऊपरी कुड़प्पा, विंध्यन क्रम जिसमें निम्न विंध्यन समूह और ऊपरी विंध्यन समूह शामिल है, दिल्ली क्रम के चट्टानें और हिमाचल क्रम की चट्टानें आदि शामिल है। कुल मिलाकर यहाँ पे चार प्रकार के चट्टानें शामिल है, इन सभी का अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से और निक्षेपण के फलस्वरूप कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं, इनका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव है, याद रखिए इसमें भी जीवाश्मों का अभाव है। और आर्कियन क्रम के चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव है। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है। तो ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी प्रीलिम्स के लिए, कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण किस स्थान के नाम पर हुआ है। तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के स्थान के नाम पर किया गया है, जहां अर्धचंद्राकार रूप में इनका विस्तार है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का भारत में विस्तार देखते हैं। ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी, पूर्वी राजस्थान तथा उत्तरी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी इनका विस्तार है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, जो हमारा राज्य है वहाँ पे कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार है। इसका हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगोल चैप्टर में भी इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। राजस्थान की कुड़प्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है, याद रखिएगा राजस्थान की कुड़प्पा क्रम की चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है। ये यहाँ पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए यह चट्टानें जानी जाती है। सबसे ज़्यादा यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इस क्रम की कुछ चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मैप में देखिए, तो यहाँ पे दिल्ली के कुछ हिस्से में राजस्थान, यहाँ पे कुछ हिस्से में और हमारे छत्तीसगढ़ में मोस्टली है मिलता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। हैदराबाद के कुछ स्थान में, चेन्नई में आदि स्थानों में इसका विस्तार है। आपको चार नंबर या फिर आठ नंबर में लिखने के लिए आएगा 60 शब्द या फिर 100 शब्द में, तो आप आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं। इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके ज़रूर एक बार पढ़िएगा, इससे आपको और अच्छे से याद होगा। गुड़वाना क्रम की चट्टानों को देखते हैं अब। तो गुड़वाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनीफेरस से जुरासिक युग के मध्य में हुआ है। तो याद रखिए कार्बोनीफेरस से जुरासिक युग के मध्य में इन चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिन भी चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं उनमें कोयला मिलने की अत्यधिक संभावना होती है। भारत में विस्तार देखते हैं, तो इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेशों में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम तथा असम में पाया जाता है। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे जीवों के अवशेष मिले हैं जीवाश्म के रूप में। इसके अतिरिक्त इसमें बलुआ पत्थर, चीकी मिट्टी तथा लिग्नाइट काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा 98% तक कोयला यहाँ पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं, गुड़वाना क्रम की चट्टानों का विस्तार देखते हैं मैप में। तो ज़्यादातर हिस्से इसके पूर्व के पठार में देखा गया है, और ज़्यादातर यहाँ पे देखिए झारखंड और छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसका विस्तार देखा गया है। आगे डिस्कशन करते हैं दक्कन ट्रैप के बारे में। तो देखिए यहाँ पर
क्रिस्टेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में व्यापक, जिससे बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीदार भू आकृतियों का निर्माण हुआ। तो याद रखिए, क्रिस्टेशियस युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में, गुजरात व दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, में ज़्यादातर है। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। दक्कन ट्रैप शैलों से भवन व सड़क निर्माण होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से भाटा मिट्टी, इसी से भाटा मिट्टी मिलती है, तो जिससे हम लोग भवन या सड़क का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ क्वार्ट्ज, बॉक्साइट, अर्धमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं। यहाँ पे बॉक्साइट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। यह संरचना बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें काफ़ी कठोर हैं। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे कपासी मिट्टी या रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे दो नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं कि रेगुर मिट्टी क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो याद रखिए, बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानों से, ठीक है, इन चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी बनी है, जिसे ही क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे काली मिट्टी कहते हैं। तार देखते हैं। तो यहाँ देखिए, राजमुंद्री में, महाराष्ट्र के मुंबई, मध्य प्रदेश के इंदौर में, इन सभी क्षेत्रों में और गुजरात के लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सों में दक्कन ट्रैप का विस्तार है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में दोस्तों आगे डिस्कशन करते हैं। तो इसका नामकरण विंध्य पर्वत से हुआ है। तो गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को कौन अलग करती है, या फिर कौन विभाजक रेखा दोनों के बीच में बनाती है? तो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। याद रखिए, परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों से हुआ है। विस्तार देखते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक 1,36,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। कितने विस्तृत है? तो 1,36,000 वर्ग किलोमीटर में। भादर श्रेणी, बिजवार श्रेणी, कैमूर श्रेणी विंध्य क्रम की अंतर्गत आते हैं, विंध्यन क्रम के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है इन सब का देखते हैं। तो इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर के आदि मिलते हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग के लिए चूने का पत्थर मिलता है, ठीक है। तो दिल्ली का लाल किला, मध्य प्रदेश का सांची स्तूप आदि का निर्माण इसी से हुआ है। दोस्तों मोस्टली इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली का लाल किला और मध्य प्रदेश के सांची स्तूप का निर्माण किससे किया गया है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से किया गया है। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खाने विंध्यन क्रम में ही स्थित हैं। तो यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, गोलकुंडा खान और पन्ना खान कहाँ, कौन से क्रम के चट्टानों में स्थित है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म विहीन होती है, किंतु कैमूर क्रम की चट्टानों के निचले भागों में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से वनस्पति जीवन के कुछ संकेत मिले हैं। यहाँ देखिए विस्तार, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के हिस्सों में है। जाते हैं तो दक्षिण भाग में जाते हैं, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पे इसका विस्तार है। तो फ्रेंड्स, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में चट्टानों के वर्गीकरण में हमने इन सभी पोर्शन का अच्छे से डिस्कशन करा है। हमने गोंडवाना क्रम के भी जितने चट्टानें हैं उनका भी अच्छे से डिस्कशन करा है। इसमें केवल अब तृतीय जीवकल्प, जिसमें टर्सरी और चतुर्थ जीवकल्प, जिसमें क्वार्टरी क्रम के चट्टानें बचे हैं, आइए उनका डिस्कशन अच्छे से करते हैं। उसके बाद जो भारत के धरातलीय विशेषताओं में उत्तर की विशाल पर्वतमाला और उत्तर की विशाल मैदान का भाग है, उसका भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे कि कितने शब्द में हम अपना आंसर लिखें। तो चलिए देखते हैं इन दोनों टाइप्स को, क्वार्टरी क्रम की चट्टानों को। तो इन चट्टानों के अंतर्गत प्लास्टोसीन तथा वर्तमान होलोसीन युगीन शैलें सम्मिलित हैं। इसका विस्तार देखते हैं। तो प्लास्टोसीन क्रम की शैलों का विस्तार कश्मीर घाटी, झेलम घाटी,
गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा की ऊपरी घाटियों में इसका विस्तार है। गंगा और सतलज के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नदियाँ जिनमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि शामिल हैं, नदियों के मुहाने पर काप के नवीन निक्षेप पाए जाते हैं। किस क्रम के? तो क्वार्टनरी क्रम के। चट्टानों के वर्गीकरण में आर्य महाकल्प की चट्टानों में टर्शियरी क्रम की चट्टानें जो इसमें लास्ट है इसका भी अवलोकन करते हैं, तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण ईओसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच में हुआ है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। इस क्रम की शैलों में पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों मोस्टली इम्पॉर्टेंट है कि पेट्रोलियम पदार्थ किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों में। इसका विस्तार देखते हैं तो टर्शियरी शैलें मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिएगा हिमालय क्षेत्र में। प्रायद्वीपीय भारत में ये केवल तटीय क्षेत्रों में सीमित है। तो जितने भी प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं जिसमें ये केवल तटीय क्षेत्रों में सीमित है। यह क्रम कश्मीर से कुमायूं क्षेत्र में विकसित के रूप में पाया जाता है, जहाँ इसे लीलोंग क्रम के नाम से भी जाना जाता है। किस क्रम के नाम से? तो लीलोंग क्रम के। टर्शियरी क्रम की चट्टानों का विस्तार देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे करके कश्मीर घाटी से लेकर यहाँ हिमाचल से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और इधर असम त्रिपुरा साइड में इसका विस्तार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने धरातलीय विशेषताओं में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अच्छे से डिस्कशन करा है, आइए इसकी विशेषताओं का भी अच्छे से डिस्कशन करते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के का महत्व या फिर इस विशेषता में फर्स्ट है, यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं। तो दोस्तों ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये सारे, और इसमें जितने भी फैक्ट है वो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये एग्ज़ाम में आपको 100 शब्दों या फिर 125 शब्दों में आते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को मैंने सरल तरीक़ों से यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो पहला देखते हैं, यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिनसे यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। सेकंड देखते हैं, पठारी भागों में अनेक प्राकृतिक खंडों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है जिनमें सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। थर्ड देखते हैं, दक्कन के लावा पठार के अपरदन एवं अपक्षयन से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कपास की खेती सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होती है जो प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। चौथा देखते हैं, पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है जिन पर मसालों, चाय, कॉफ़ी आदि की खेती की जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल पीली मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती की जाती है। और आगे देखते हैं, तो पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाहरित वन मिलते हैं एवं यहाँ सागौन, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वनों की लकड़ियाँ भी मिलती हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स को आपको एक एक करके अच्छे से याद करते जाना है, और एग्ज़ाम में आए तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। पॉइंट है, इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियाँ मिलती हैं जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की भूगर्भिक संरचना सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैंगनीज आदि खनिजों से संपन्न है। खनिज संसाधनों के विद्युत भंडार के कारण छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रूर प्रदेश किसे कहते हैं, ये दो नंबर में आ सकता है। तो खनिज संसाधनों के विपुल भंडार के कारण छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो सकी है। नेक्स्ट पॉइंट है, पठारी भाग के तृतीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ और लैगून मिलते हैं जहाँ बंदरगाहों व पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है। तो दोस्तों ये था दक्षिण की प्रायद्वीपीय पठार का विशेषताएं, जिसमें हम लोग उनमें उपस्थित सभी चट्टानों
का अच्छे से अवलोकन कर रहे हैं। अब इसके सेकंड टाइप उत्तर की विशाल पर्वतमाला का आगे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भारत के उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला अवस्थित है जो भारत को कई प्रकार से लाभ पहुँचाती है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। तो देखिए यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है भारत की उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से अलग प्राकृतिक दशा बनी हुई है। उत्तर की विशाल पर्वतमाला की जलवायु निर्धारण में क्या भूमिका है देखते हैं। तो ये चार नंबर या फिर आठ नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शीत ऋतु में आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ठंडी ध्रुवीय हवाओं को जो उत्तर की विशाल पर्वतमाला है वो भारतीय भूभाग में आने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ठंडी ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बचा हुआ है। इसी प्रकार वर्षा काल में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है, जिस पर हमारी कृषि निर्भर है। तो हिमालय पर्वतमाला की विशेषता देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट में है हिमालय नदियों को वर्षवाहिनी बनाए रखता है, अर्थात जो नदियाँ पूरे वर्ष में बहती है उसे वर्षवाहिनी नदियाँ कहते हैं, क्योंकि हिमालय में हिम के पिघलने से नदियों के जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। सेकंड देखते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों के वर्षवाहिनी होने के कारण यहाँ सिंचाई परियोजनाएँ संपन्न हो पाती है। उदाहरण के लिए सतलज, यमुना, गंगा आदि नदियों से निकलने वाली नहरें व स्थापित बांध। थर्ड देखते हैं हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद बहा कर लाती है जो अत्यंत उपजाऊ होती है, जिनसे जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है जहाँ पे खेती संभव हो पाती है। फोर्थ देखते हैं हिमालय विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी है। यहाँ देखिए क्या क्या जो खनिज है इसके पाए जाते हैं उनको, तो कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, विस्मत आदि धात्विक महत्व की खनिजें यहाँ पे विद्यमान है। इसकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पाया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ हिमालय की टर्शियरी संरचना में कोयला के विभिन्न प्रकार, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी उपलब्ध है। कारगिल के रियासी क्षेत्र में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट कोयला भी यहाँ पे पाया जाता है। तो कोयला के कितने प्रकार होते हैं, तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, जिसमें एंथ्रासाइट में शुद्धतम कोयला पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं वन संसाधनों के अंतर्गत सागौन, शीशम, ओक, लॉरेल, देवदार, मैग्नेलिया, बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी है। वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी मिलती है, जिस पर हमारा आयुर्वेदिक उद्योग आधारित है। लास्ट देखते हैं विशाल पर्वतमाला की विशेषता में, तो हिमालय का व्यापक सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। हिमालय अपने दक्षिणी भाग के लोगों में समेकित संस्कृति के विकास का आधार है। विविधताओं के बावजूद राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकत्व का बोध कराने में उसकी महती भूमिका रही है। दोस्तों यहाँ पे हमारे CGPSC में 175 शब्द में क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इन सभी पॉइंट्स को लिख सकते हैं, इसको आप बुक में पढ़ने को जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया है। मैंने यहाँ इसको वर्ड लिमिट में तैयार करके आप लोगों के लिए मटेरियल प्रोवाइड करा है। और दोस्तों अगर इस लेक्चर का आप लोगों को PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हमने दक्षिण की प्रायद्वीपीय पठार में मौजूद चट्टानों का अच्छे से अवलोकन करा है। उसके बाद सेकंड टाइप में उत्तर की विशाल पर्वतमाला का भी ऊपर अच्छे से अवलोकन करा है। अब इसमें थर्ड और लास्ट टाइप है उत्तर भारत की विशाल मैदानी भाग। हमने पर्वतमाला को डिस्कशन करा है, उसके बाद उस क्षेत्र में जो विशाल मैदानी भाग फैले हुए हैं उसका भी डिस्कशन करते हैं। तो इनका निर्माण क्वार्टनरी और नियोजोइक महाकल्प के प्लिस्टोसिन एवं होलोसिन कल्प में हुआ है। तो याद रखिएगा इसको, यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना में शामिल है। इसका बनावट देखते हैं, टेथिस भूसन्नति की निरंतर
संकरा व छिछला होने एवं हिमालयी व प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। इसके पुराने जलोढ़ बांगड़ एवं नए जलोढ़ खादर कहलाते हैं। तो बांगड़ और खादर मिट्टियाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो जो पुराने जलोढ़ हैं उसी को बांगड़ कहते हैं और जो नए जलोढ़ हैं उसी को खादर कहते हैं। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र भी मिलते हैं। इस लेक्चर में भारत की भूगर्भिक संरचना का मैंने यहाँ पे कंप्लीट अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिस्कशन करा है। आप सिलेबस को एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा कि, और चलिए अब हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर में दो दो तीन तीन बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को ऐड करा है। तो दोस्तों आप लोग टेस्ट सीरीज़ थ्योरी लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ज़रूर लगाइएगा और अपने एक्यूरेसी को ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुड़वाना का अंतिम विखंडन निम्नांकित के दौरान हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीया अवधि में। इसको हम लोग थ्योरी लेक्चर में अच्छे से डिस्कशन करे हैं कि गुड़वाना क्रम की जो चट्टाने हैं वो तृतीया अवधि में उनका निर्माण हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा पठार आज गुड़वाना के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जिसका अधिकतम हिस्सा भारत के दक्षिणी भाग में है। तो ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोयले का सबसे परिष्कृत रूप कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि कोयले का चार प्रकार होता है, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, जिसमें एंथ्रासाइट में सबसे शुद्धतम कोयला प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो दोस्तों इसको थ्योरी लेक्चर में मैंने अच्छे से डिस्कस करा है, मोरदार पर्वत श्रेणी में हिमालय आता है। दोस्तों अगर आप लोग थ्योरी सेक्शन को वॉच नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले अच्छे से उसको वॉच कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ को लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्न में से किस मिट्टी के निर्माण के लिए बेसाल्टिक सेल उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी, क्योंकि बेसाल्टिक सेल से काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, उत्पत्ति के आधार पर हिमालय पर्वत किस पर्वत काल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्शियरी तृतीय कल्प में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन हमारे CGPSC और CGVAPO में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, खनिज तेल संबंधित है। टर्शियरी सेल समूह से खनिज तेल, पेट्रोलियम आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर एट है, क्वार्ट्जाइट कायांतरित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलुआ पत्थर से, क्योंकि हमें क्वार्ट्जाइट बलुआ पत्थर से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, तिरुपति पहाड़ियाँ किस युग की चट्टाने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कड़प्पा क्रम की चट्टाने हैं जो भारत के दक्षिणी भाग में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर टेन है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारवाड़ शैल समूह, जिसमें लौह अयस्क पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रविड़ियन तंत्र, क्योंकि जो द्रविड़ियन तंत्र समूह की चट्टानें हैं भारत में सबसे प्राचीनतम चट्टानों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है, तेलंगाना के पठार में शामिल है। तो तेलंगाना के पठार में भारत के प्रायद्वीपीय पठार में तेलंगाना का हिस्सा आता है, जिसमें आर्कियन और धारवाड़ सेल समूह शामिल है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, प्रायद्वीपीय भारत की कोयला पट्टियाँ किस काल में विकसित हुई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंडवाना युग में कोयला पट्टियाँ निर्मित हुई थी और गोंडवाना सेल समूह में कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहा की प्रधानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीफे सेल समूह में। दोस्तों मैंने थ्योरी लेक्चर में एक्सप्लेन करा है कि नीस और नीफे सेल समूह में लोहा, निकल व अन्य अयस्क पाए जाते हैं। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परतधर चट्टान, जिसमें गुड़वाना शैल समूह शामिल है। तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने और भी जियोग्राफी के लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रखे हैं, तो प्लीज़ आप सभी
वीडियोस को अच्छे से वॉच करिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द अपलोड करूंगा, जिसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।